हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम इंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो न्यू पैटर्न का टेस्ट है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। आज आपका दूसरा टेस्ट ऐड किया गया हमारा टेस्ट सीरीज में भी और कोर्स में भी। तो अगर आप वो टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप या तो पूरा कोर्स में भी जुड़ सकते हैं या अलग से टेस्ट सीरीज भी 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा फ्यूचर रोजगार। फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपको पेस्ट टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं या आप कोर्सेज में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 8 क्वेश्चन देख चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? एक निश्चित धनराशि आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अपने दोस्तों के पास हमारा कोर्स और इस टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर शेयर करें। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक 15% की दर से 4 वर्षों में 11,520 रुपए हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या चीज पता है? यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है और मिश्र धन पता है, और हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो जब हमें सिंपल इंटरेस्ट से मिश्र धन पता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, टाइम पता हो, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? मूलधन निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? अभी लिखता हूं मैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि ब्याज को हर 8 महीने में चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों में वही धनराशि इस चक्रवृद्धि ब्याज दर पर लगभग कितने रुपए हो जाएगी? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे इसी दर को 8 महीने में, क्या 8 महीने के लिए निकालना रहेगा कि इसका प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15% को 8 से गुणा करेंगे और 12 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब कट करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 4 से इसको कट करेंगे, यानी हमारा प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होने वाला है? 10%। अब टोटल समय कितना है? 2 वर्ष, और कितने महीने में? हर 8 महीने में एक साइकिल पूरा हो जाता है, तो 24 महीने में कितना साइकिल हो जाएगा? 8 महीने से भाग दे देंगे, यानी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या हमारा एन जो है वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मूलधन निकालते हैं। मूलधन पता करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? मूलधन बराबर 11,520 गुणे 100। फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन गुणे 100। तो 11,520 गुणे 100, और नीचे क्या हो जाएगा? 100 प्लस दर गुणे समय। तो दर कितना है? 15, और समय 4 वर्ष, यानी कि 60। ये चीज हम किस में अप्लाई करेंगे? जब हम यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब यहां से आगे बढ़ेंगे। अभी आधा क्वेश्चन से हम मूलधन निकाल रहे हैं, तो यही फार्मूला से चलेंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 11,520 गुणे 100 और बटे में 160। ये इधर अलग है। अब 0 से 0 कट गया, 16 से कट करेंगे, 16 × 7 = 112, 3 बचा, 16 × 2 = 32, 72 का 100 में गुणा होगा, हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 7,200। हमारा मूलधन क्या आ गया? 7,200 आ गया, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 10%, और टाइम कितना है? 3 बार। तो देखिए, 7,200 गुणे 10% है, तो 110/100 को क्या लिख सकते हैं? 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। हम 11/10 कैसे लिख पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने 7,200 किया और गुणे 100 प्लस 10 और बटे 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 110/100 को हम लोग डायरेक्ट 11/10 ही लिखेंगे। अब 00 से 00 कट गया, 11 × 11 × 11 हमारा कितना हो जाएगा? 1331, और इसमें 72 का गुणा, और नीचे कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा।
अब 72 का गुणा हम इसमें करेंगे, 72 का एक बार 2, 7 बचा, 72 तिया 216, 7 223 को 3, 22 बचा, 72 तिया 216, 22 238 को 8, 23 बचा, 72 एक 72 23 95 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 10। अब हम जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9583 और 0.2। तो हमारा आंसर निकटतम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 9583। नेक्स्ट कह रहा है 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या है। 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 5:7. 8 years hence the ratio of their ages will be 9:11. If the present age of C is 13 years less than the age of B and the present age of D is 8 years less than the age of A, then what is the sum of the present ages of C and D in years? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 वर्ष पहले बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, तो ए का एज ले लेंगे 5x और बी का हम कितना 7x। ए 8 वर्ष पहले है तो इनका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5x प्लस 8, 7x प्लस 8, ये 7x रहेगा। लेकिन कह रहा है अब प्रेजेंट एज से 8 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा, फिर प्लस 8, फिर प्लस 8 और बराबर ए आप क्या लिख सकते हैं 9/11। 5x प्लस 16, 7x प्लस 16 कितना 9/11। देखिए 5x प्लस 16, हम डायरेक्ट यहां 16 भी लिख सकते थे, समझाने के लिए जो है मैंने इसको अलग अलग लिखा। अब देखिए 11 पचे 55x प्लस 11 का 16 में गुणा करेंगे 176, 9 का गुणा इसमें करेंगे 63x प्लस 16 9 144, 63x में से 55x इधर ले आके घटाएंगे आ जाएगा 8x, 176 में से 144 घटाएंगे आ जाएगा 32, x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब देखिए ए का वर्तमान एज कितना आ जाएगा, 4 रखेंगे, 4 × 5 = 20 = 28, ए का कितना आ गया 28, बी का 4 × 7 = 28 = 36। हमसे कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है तो यहां से 13 माइनस करेंगे, डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है तो यहां से 8 माइनस करेंगे, यहां आएगा 20, यहां आएगा 23, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा हमारा 20 और 23 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 43, कितना आ जाएगा 43। अगला क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, व्हाट विल बी द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जो हमारा क्रय मूल्य के साथ डिजिट है उसको पहले लिखेंगे और जो विक्रय मूल्य के साथ डिजिट है उसको बाद में, और नीचे क्या आएगा हमारा जो विक्रय मूल्य के साथ नंबर रहेगा, और गुणा हम क्या कर देंगे 100 का, तो 1/5 और गुणे 100, 5 से कट करेंगे इसको 20, हमारा आंसर अगर अगर हमारा आंसर प्लस में आता है, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रॉफिट का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या होगा 20% प्रॉफिट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले पूरे भरे हुए टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को एक साथ 6 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। पाइप ए को बंद करने के बाद अब बी और सी मिलकर टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय घंटे में लेंगे? पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर्स एंड 24 आवर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी एलोन कैन एम्प्टी द एंटायर फिल्ड टैंक इन 30 आवर्स। पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स एंड देन ए इज क्लोज्ड एंड सी इज इमीडिएटली ओपेंड अलोंग विद बी। After closing pipe A, how much time in hours will B and C together take to completely fill the tank? तो देखिए यहाँ पे A, B और C. A और B का काम क्या है? भरने का है 18 और 24. C खाली करने वाला है. ये चीज आपको ध्यान देना है. इन तीनों का LCM लेंगे 18, 24, 30 का. तो देखिए छह तो सभी में कॉमन हो जाएगा, छह त्रिक 18, छह चौक 24, छह पचे 30, छह तीन चार पांच, छह त्रिक 18, छह चौक 24, छह पचे। अब तीन चार पांच में कुछ कॉमन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए। छह पचे 30, चौके 120, तिया 360, हमारा क्या हो जाएगा? 360 एलसीएम हो जाएगा। 18 से इसमें भाग देंगे आ जाएगा 20, 24 से भाग देंगे आ जाएगा हमारा 15, 30 से भाग देंगे आ जाएगा 12। अब सी पे फोकस करना है कि ए खाली करने वाला है, तो क्या हो जाएगा? ए और बी 6 घंटे अकेले काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं ए और बी, तो 20 15 कितना हो जाएगा? 35। 35 का गुणा करेंगे 6 में, यानी कि 210। ए और बी ने मिलके 210 काम कर दिया, 360 में से 210 काम कर दिया, तो कितना काम बचा? 360 में से 210 घटा देते हैं, आ जाएगा 150। अब क्या कह रहा है? बी और सी मिलके काम करते हैं, तो बी और सी का जब काम आप जोड़ेंगे 15 प्लस ब्रैकेट में माइनस 12, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3। यानी बी और सी का काम जो है एक घंटे में 3 काम, तो 150 काम ये लोग मिलके कितना देर में करेंगे? 150 को हम 3 से भाग देंगे, यानी आ जाएगा हमारा कितना? 50 घंटा। कितना आ जाएगा? 50 घंटा। कर अनूप ने कुछ पेन 9500 में खरीदे, उसने 40% पेन को 12% की हानि पर और शेष पेन के एक तिहाई को 25% के लाभ पर बेच दिया, शेष पेन को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 10% का लाभ अर्जित किया जा सके? ऐसा क्वेश्चन आपका सीएसएफ ऐसा एलडीसी में कई बार पूछा जा चुका है। फ्रैक्शनल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे एक क्वेश्चन आया था अनूप ने 400 आम लिया, अलग इतना आम इतने परसेंट प्रॉफिट पे, इतना आम इतने परसेंट लॉस पे, और लास्ट में पूछा था इतने आम को कैसे बेचे कि इतना परसेंट लाभ हो। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ये 9500 इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का पेन है, 100 रुपए में 100 पेन है, आपको अंत में क्या चाहिए? 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। यानी आपको जो टोटल लाभ चाहिए 10 का चाहिए। अब क्या 40% पेन को 12% की हानि पर, तो 100 का 40% यानी 40, 12% हानि पे, 40 का 12% कितना हो जाएगा? 4.8, यानी आपको 4.8 का लॉस हो गया, 4.8 रुपए का। अब क्या कर रहा है? शेष पेन का एक तिहाई, तो 60 पेन और बचा है,
तो 60 का एक तिहाई कितना हो जाएगा? 20। 20 का 25%। क्या? 20 का 25% यानी 20 का 1/4। आपको कितने रुपए प्रॉफिट हो जाएगा? 20 का जब आप 1/4 करेंगे तो ए आ जाएगा 5 रुपए का प्रॉफिट। कितना? 5 रुपए का। और बचा कितना है? 40 आपने यहां यूज किया, 20 यहां, 40 20 60, यानी अभी आपके पास 40 पेन बचा हुआ है। क्या? 40 पेन। और आपका क्या क्या हो चुका है? यहाँ पे 4.8 लॉस हो चुका है, यहाँ 5 रुपए प्रॉफिट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 0.2 रुपए, यानी आप 0.2 रुपए प्रॉफिट में हैं, लेकिन आपको चाहिए 10 रुपए। तो अभी आपको और कितना चाहिए ये पता करना होगा। तो 10 में से 0.2 घटाएंगे यानी अभी आपको 9.8 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। और ये 9.8 रुपए का प्रॉफिट किस पे चाहिए? बचे हुए इन 40 पेन पे। तो क्या करेंगे हम? 9.8/40 और गुणे 100। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से कट करेंगे 4.9, 5 का गुणा करेंगे 5, 9, 45 को 5, 4 बचा, 5, 20, 24, यानी बाकी पेन पे शेष पेन को 24.5% लाभ पर बेचना चाहिए। हमारा आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। कह रहा है एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 मीटर है और इसका एक विकर्ण 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस शेप्ड फील्ड इज 800 मीटर्स एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 240 मीटर्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर मीटर्स? हम क्या करते हैं, रोम्बस एक बनाते हैं, ये 200 मीटर है, एक विकर्ण ये 200 है, तभी इसका परिमाप, क्योंकि इसका भुजा बराबर होता है, तो 800 को 4 से भाग देंगे, भुजा निकल जाएगा 200 मीटर। इसका एक विकर्ण 240 है, तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ 90 डिग्री पे काटते हैं। तो मान लीजिए ये वाला 240 है, तो 240 का आधा कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज से, क्या, ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के इसका दूसरे विकर्ण का आधा पता कर सकते हैं। क्या? दूसरे विकर्ण का आधा। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में 200 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि 200 माइनस 120 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 80, और 200 में 120 का योग करेंगे तो 320। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 गुणे 4 320 को आप क्या लिख सकते हैं, 80 गुणे 4, 80 का पेयर बन गया। क्या हो गया? 80 का पेयर बन गया, तो आप 80 को बाहर लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2, आपका क्या आ गया, 80 दूनी 160, यानी कि ये जो हमारा दूसरा विकर्ण का आधा कितना है 160, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 160 का 2 गुना 320, यानी हमारा एक विकर्ण 240 है, दूसरा विकर्ण 320 है। फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का? दोनों विकर्णों का गुणनफल और बटे 2, यानी 240 गुणे 320 और बटे 2, 2 से 120, तो 0 0 लिख देंगे 2 बार, 12 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 को 4, 2 बचा, 12 3 36 और 2 38, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38,400 वर्ग मीटर। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में सेम वही तरीका जैसे आपने समचतुर्भुज का आधा विकर्ण निकाला, उसी तरीके से वही आपका फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से।
देखिए यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, ए 101 है और एक भुजा 20 है, ए भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। एक समकोण त्रिभुज में यदि कोण 101 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 101 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में एक में क्या करेंगे हम, इसको जोड़ेंगे तो 101 में से 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 121, और 101 में से 20 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 81। तो 121 का वर्गमूल लेंगे 11, 81 का वर्गमूल लेंगे 9, हमारा कितना आ जाएगा 11 9 99। दूसरी भुजा क्या आ गई, 99 आ गई। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुणे आपका क्या हो जाएगा आधार, और गुणे आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई 20, 2 से कट करेंगे 10 बार, 99 का 10 में गुणा करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 990। क्या आंसर हो जाएगा 990। 2485 रुपए की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5 और सी और ए के हिस्से का अनुपात 4:3 है, बी का हिस्सा रुपए में क्या है? इन ए राइट ट्रायंगल इफ द हाइपोटेनस इज 101 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड्स इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो देखिए क्या ए सॉरी ये आपका पिछला वाला ही क्वेश्चन का ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2485 रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच, ए और बी का हिस्सा क्या है 8:5 और सी और ए का क्या है 4:3। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, जो लेटर आपका 2 बार रहेगा उसको बीच में लिखिए और इसको लिख लीजिए यहाँ पे और सी को लिख लीजिए यहाँ पे। तो ए और बी का क्या है 8:5 लिख लीजिए, सी और ए का क्या है 4:3, तो 4:3। अब गुणा करते हैं, 4 8 32, 8 3 24 और 5 3 15। अब कर इसमें ये पूरा धनराशि है 2485, बी का हिस्सा बताना है तो बी का कितना है 15 है, और पूरा कितना है ये पूरा जोड़ लीजिए 32 15 47 24 71। 71 से कट करते हैं, 71 3 213 बचा 35 355, 71 5 355, 35 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75 को 5 7 बचा, 15 3 45 7 52, हमारा आंसर क्या आना चाहिए 525। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 525। कर एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:5 है, सभी लड़कों और लड़कियों के गणित में औसत स्कोर 70 है, यदि लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 30% अधिक है तो लड़कों का औसत स्कोर क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 4:5, द एवरेज स्कोर इन ए मैथमेटिक्स ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इज 70। इफ द एवरेज स्कोर क्या है, स्कूल नहीं होगा, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 30% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, सो व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मान लेते हैं लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 4 और 5 है, वहां पे दिया है वही ले लेते हैं, लड़कों का बॉयज का 4 लड़कियों का 5। अब कह रहा है लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, तो लड़कियों का 13A ले लेते हैं और लड़कों का 10A। अब देखिए औसत आपका सबका पता है 70, तो हम क्या करेंगे यहां से एक तरफ 70 औसत लेंगे और एक तरफ यहां से मिलाएंगे, तो कैसे होगा औसत लेने के लिए
पहले तो इनका पूरा स्कोर निकाल के 5 और 4 9 से भाग देंगे, तब भी औसत निकल जाएगा। तो देखिए 13 चौके 52 ए और 10 पचे 50 ए और बटे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 9। हमें लड़कों का बताना है, ठीक है? लड़कों का क्या है, सॉरी ए आपका, एक मिनट, गलत हो गया, ठीक है? ये लड़कों का 10 ए रहेगा, लड़कियों का 13 ए रहेगा, इसी वजह से तो कह रहे हैं थोड़ा गलती हो रहा है कुछ। 10 चौके 40 ए और 13 पचे 65 ए और नीचे क्या आएगा हमारा, 4 और 5, लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे। तो यहाँ 9 का गुणा करेंगे 630, 40 ए और 65 ए को जोड़ेंगे 105 ए, 105 से कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 6। तो 10 ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 60। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 है और उसी राशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7,650 है, क्रमशः धनराशि और आर का मान क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द सेम रेट पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 11,250 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स एट द सेम रेट पर एनम इज 7,650। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सम एंड आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पता है, तो 3 वर्षों का पता है तो 1 वर्ष का पता कर लेते हैं, यानी 11,250 को 3 से भाग दे देते हैं तो 1 वर्ष का पता चल जाएगा। तो 3 3 के 9, 2 बचा 3 7 21, 3 5 15 और 0, ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज पता चल गया। हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 7,500। कितना, 7,500। अगर हमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता हो और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता हो तो फार्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 गुणे CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बटे सिंपल इंटरेस्ट और गुणे में 100। आप इसको लिख लेंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे CI माइनस SI, ठीक है? तो CI कितना है, 7,650, SI कितना है 7,500, तो 7,650 में से 7,500 घटाएंगे क्या आ जाएगा 150 और नीचे क्या लिखेंगे 7,500 और गुणे हमारा क्या आ जाएगा 100। 100 से इसको काटेंगे, 75 से 2 बार, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4%। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास और हमारे कोर्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू।